मम्मा अभी क्या बना रहे हो? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा यहाँ की बनाना है? बहुत औरतों को एक मैसेज देना है, आई थिंक बैठ के ही समझाना पड़ेगा। सो यस, हाय गाइस, दिस इज अंजना रितोरिया, 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 अंक की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 42 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। सो यस, जैसे कि आप उनको समझ में नहीं आया, ऐसा शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ उस लक्ष्मण रेखा की, जिसके बाहर कई बार हर औरत कदम रखने से डरती है, उसे लगता है बाहर रावण खड़ा है। हर बार रामायण नहीं रची जा रही, हर बार अंदर सीता और बाहर रावण नहीं होता है। कई बार लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना बहुत अनसेफ होता है, तो बाहर कदम रखना पड़ेगा। सो गाइस, मैं देखती हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ और बहुत ही स्ट्रांग फीमेल हूँ। जब मैं देखती हूँ 35 साल तक 40 साल तक औरतें बहुत सफ़र कर रही हैं अपने ससुराल में, अपने घर में, वो घर जिसको वो कभी अपना कह नहीं पाती हैं। कभी वो पति का होता है, कभी वो पिता का होता है, कभी वो बेटे का होता है, कभी वो बेटी का होता है, कभी वो ससुराल का होता है। ये बहुत ही हेल्पलेस कहानी बन जाती है उस औरत की, जिसे समझ ही नहीं आता है कि लक्ष्मण रेखा पार करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एक अपब्रिंगिंग दी जाती है बेटी को जब से वो बड़ी होती है, कि ससुराल तुम्हारा घर है और वहां से तुम्हारी अगर निकलेगी तो अर्थी ही निकलेगी। और ये सीख जब लड़की को बचपन से दी जाती है, तो कई बार इस लक्ष्मण की रेखा के अंदर भी बेटी अनसेफ होके बाहर कदम नहीं रखती है और कई बार बाहर उसकी अर्थी ही निकलती है, जैसे कि उसको अपब्रिंगिंग दी गई है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पहचानना पड़ेगा कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर एक्चुअली रावण है या भगवान है। सीता मैया को बोला था कि बाहर नहीं निकलना है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना है। उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने नहीं पहचाना कि बाहर रावण खड़ा हुआ है और लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली। और आजकल की कई औरतें नहीं पहचान पा रही हैं कि बाहर राम खड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि एक कदम बाहर निकालो तो सही, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको उस रास्ते पे ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सेफ है। लेकिन कई लोग लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर रही हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो। कई बार लक्ष्मण रेखा के अंदर बहुत सारी लड़कियां अनसेफ है और डरती हैं कदम बाहर रखने के लिए। अंजना रितोरिया हर उस लड़की को ये हिम्मत देना चाहती है कि जरूरी नहीं कि हर बार आपकी लक्ष्मण रेखा के बाहर रावण खड़ा हुआ है, कई बार बार राम भी हो सकते हैं, जो आपको एक हिम्मत देने की कोशिश करें, करें सिखाने की कोशिश करें कि निकलो बाहर और करो अपनी जिंदगी का वो काम जिस काम के लिए करने आई हो। डरने की जरूरत नहीं और मरने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, मैं कहना चाहती हूँ हिम्मत करनी पड़ेगी, मरना नहीं है उस लक्ष्मण रेखा के अंदर, जस्ट इसलिए कि आपके माता पिता ने कहा है कि सिर्फ अर्थी बाहर निकलनी चाहिए। आपकी इनसिक्योरिटीज की, मैंने कई औरतों को देखा है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पति के साथ नहीं संबंध अच्छे बन रहे हैं, सालों से झगड़े हो रहे हैं, सालों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है घर में, उसके बाद वो नहीं निकल पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही है? कभी उन्हें लगता है अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो उन्हें लगता है कौन पूछेगा, मम्मी पापा के घर जाएंगे तो वो भेज देंगे। लड़की का अपना घर होता नहीं है, कई बार वो पिता का घर होता है, कई बार वो पति के घर होता है, कई बार वो ससुराल का घर होता है, कई बार वो मायका होता है, कई बार वो बच्चों का होता है, औरत का घर है कहाँ? तो मैं ये कहना चाहूंगी हर उस लड़की से, शादी के पहले अपना घर बना लो, शादी के पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, जिससे कोई एक छत ऐसी हो जिसपे आप जब चाहें जब जा सकती हो उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके, अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना आपके लिए अनसेफ है। सो डरना नहीं है गाइस, हर बार लक्ष्मण रेखा के बाहर रावण नहीं होता है, कई बार आपको पहचानना पड़ेगा कि बाहर रावण है या राम बन के कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपनी किस्मत बदल लो, बाहर एक कदम रख लो और दुनिया इंतजार कर रही है आपकी बेहतर जिंदगी के लिए, खूबसूरत जिंदगी के लिए। दूसरी चीज, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर घर के निकले, अगर कोई लड़की घर से बाहर कदम उठाए उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने खुद ने अपनी जिंदगी बनाई है,
मैंने खुद ने अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और हर हर मुसीबत से लड़ी हूँ, हर मुसीबत को क्रॉस किया है और आज आपके सामने मैं खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत स्ट्रांग लेडी हूँ। मैं चाहती हूँ घर घर की हर लेडी बहुत स्ट्रांग हो। अगर वो सफर कर रही है लक्ष्मण रेखा के अंदर, तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके बाहर आना बहुत जरूरी है। सब कुछ हो सकता है, भगवान ने आपको भेजा है इस पृथ्वी पे। अगर सबसे कोई स्ट्रांग शक्ति है तो वो नारी शक्ति है। और एक नारी जब डरती है ये सोच के कि मैं अबला हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक करेज का पहला कदम आगे निकालना है, लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम निकालना है। बाहर राम है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपको हाथ दे रहा है कि निकलो बाहर और जी लो अपनी जिंदगी इज्जत से। क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती हैं घर के अंदर, पति के नाम पे आप इज्जत किए जा रहे हो लेकिन पति आपका मान सम्मान नहीं कर रहा है, माँ बाप के सम्मान का ख्याल है और ससुराल वालों से बहुत सारे कष्ट सह रही है लड़की, बट अपने सम्मान को दबाते हुए बहुत बेइज्जती मिल रही है। लेकिन वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल रही, उसको सिखाया गया है कि घर के बाहर सिर्फ अर्थी निकलती है। सो अर्थी नहीं निकालनी है आपको, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी है, घर के बाहर निकलना है और अपना जीवन संवारना है, इंडिपेंडेंट बनना है, मरने की जरूरत नहीं है। सो मेरी हर उस औरत से या तो हम्बल रिक्वेस्ट है, या हर उस औरत को मैं वो शक्ति देना चाहती हूँ, हिम्मत देना चाहती हूँ कि इस वक्त आप जो भी हो एक बार हिम्मत कर लो। अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंदर सुरक्षित नहीं हो तो बाहर शायद सुरक्षित हो। एक बार कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए, बनाइए अपना जीवन और लोगों के लिए जीवन में उदाहरण बन जाइए जैसे कि मैं। सो गाइस, डरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लक्ष्मण रेखा पार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है मैं हूँ आपके लिए। आज मैं कह पाती हूँ आपको मैं हूँ ना, फिक्र क्यों कर रहे हो। सो निकलिए बाहर अगर ऐसा कुछ लग रहा है। और आप खुद एक नारी शक्ति है, आप में खुद में बहुत पावर है, आपने इस संसार की रचना की है, तो क्या आप अपने जीवन की रचना नहीं कर सकती। सो प्लीज, अगर आप कहीं भी किसी भी एरिया में किसी भी घर में सफर कर रही हैं, कोई भी लक्ष्मण रेखा के अंदर अनसेफ है, तो बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रामायण नहीं रच रहे हैं और बाहर रावण नहीं कह रहा है। सो बहुत सारी उम्मीदों के साथ हर उस औरत को हिम्मत देना चाहती हूँ जो लक्ष्मण रेखा के अंदर अनसेफ है, बाहर निकल के सेफ हुई है। अपना जीवन सुधारिए, आप में बहुत शक्ति है, सब कुछ संभव है। और अपने आप को सबल बनाइए और निडर रहिए और अपना जीवन संवारिए, और अपना संवारने के बाद जीवन में वो एग्जाम्पल बन जाइए कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, क्योंकि मैंने भी किया है तो आप क्यों नहीं। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू।